Hi guys, I'm Karan Vahi. Hi, I'm Manvi Gagru. And you're watching us on Filmy Beat. Actually, हम दोनों एक दूसरे को हमारा ही response बहुत अच्छा है. Like बच्चा जब पैदा होता है तो there are no notions that they have. It's only society, parents, school, ये वो. मैं बताऊँ, मैं मतलब luckily I have also seen people जो 12 साल के बाद भी बोल रहे हैं, भाई बहुत सही है. इस दूरी से कोई मैं लोगों को नहीं मिला हूँ. लेकिन मैंने भी नहीं, मैं लोगों को मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना फ्लो चार्ट देखा है. भाई अपनी तो ऐसी होगी कि रात को फोन करूंगा मैं, कि अभी मन कर रहा है आ जाओ, क्योंकि सुबह तक पता पता नहीं. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रणसिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ हैं मानवी गगरू एंड करण वाही, जिनकी अमेज़न मिनी टीवी पर हाफ लव हाफ अरेंज रिलीज हो चुकी है. आप दोनों का वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू. थैंक यू श्रुति. आई एम श्योर रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोगों के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं. एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को रिस्पांस दे रहे हैं. हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है. हम एक दूसरे को यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं. सो मैंने ट्रेलर देखा एंड जो इसमें टॉपिक है, एक्चुअली लोगों को ये इतना बड़ा नहीं लगता है कि 30 की उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है एंड आप स्ट्रगल कर रहे हैं. कि आप कभी सोचते हैं कि शायद आपकी लव मैरिज हो जाए, कभी लगता है कि अरेंज मैरिज हो जाए, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही है. मतलब जैसा हम प्लान करते हैं चीज़ें वैसी होती नहीं है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है. क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पर? नहीं तो जैसे मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी एंड आई रेड दिस थिंग कि 30 की उम्र में उसकी शादी नहीं हो रही है, यू नो पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं, आई वाज लाइक यार अब नहीं होता है, ये पहले होता था, मे बी लाइक 10 पहले या समथिंग. एंड ऑल द राइटर्स वर लाइक नहीं होता है अभी भी, यू डोंट नो. एंड यू नो जो घर पे रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनके साथ अभी भी होता है. एंड आई वाज लाइक ओ अच्छा ठीक है. सो आई गेस हाँ इट्स ट्रू एंड ऐसा होता है. एंड एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, हमारे हम भी जब बड़े हो रहे थे तो वी ऑल्सो हैड दिस ना कि 25 तक हम ये करेंगे, 30 तक ये, 32 पहला बच्चा, 33 मतलब यू नो वट एवर, ऐसे ऐसे करके वी हैड लाइफ गोल्स. सो आई थिंक वही है लाइक मतलब ऑब्वियसली मेरे हिसाब से सही तो नहीं है, बिकॉज एज के हिसाब से आप कैसे ये सब चीज़ें डिटर्मिन कर सकते हैं. बट अब है तो है, बट इट्स चेंजिंग आई थिंक. बट ऐसा ही लगता है कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो फैमिली से प्रेशर आता है, भले ही उनके दिमाग में चीज़ें नहीं हो लेकिन शायद वो प्रेशर की वजह से उनके माइंड में चीज़ें आ जाती हैं. हाँ वही, यूजुअली तो वही होता है ना, मतलब सोसाइटी, क्योंकि कोई भी लाइक बच्चा जब पैदा होता है तो देर आर नो नोशंस दैट दे हैव, इट्स ओनली सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल, ये वो, वहाँ से वो ये चीज़ें सीखते हैं. तो वहीं से आता है ये कि अरे लोग क्या कहेंगे, अरे 30 की हो गई और शादी नहीं हुई है, या 30 के बाद फिर तुझे सिर्फ एक तरह के यू नो लड़के मिलेंगे या व्हाटएवर. लड़कों के लिए भी होता है वो कि यू नो तू भी 30 का हो गया है, फिर शादी नहीं करनी है क्या, फिर तेरे को सिर्फ ऐसी लड़कियां मिलेंगी या वैसी लड़कियां मिलेंगी. सो आई थिंक वो है तो फॉर श्योर सोसाइटी में. नहीं आई थिंक जस्ट एडिंग टू व्हाट मानवी सेड, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल थिंग. और शादी एक ऐसा फंडा है हमारे देश में या कहीं भी जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा. इट्स नॉट जस्ट विद आई थिंक पीपल जो साथ में रहते हैं पेरेंट्स के, ऑब्वियसली उसको आप प्रेशर नहीं बोलोगे, आई थिंक इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल, उनका एक लाइफस्टाइल जीने का एक फंडा एक है कि आप जैसे मैं दिल्ली से हूँ, सो आई कुड रिलेट अ लॉट टू पीपल और पेरेंट्स इन द शो हु वर टॉकिंग, बिकॉज वो ऐसी बात करते हैं ना, वो कहते हैं आपने पढ़ाई खत्म की, जैसे एज ए बॉय हमारा क्या फंडा होता था, 18 पे स्कूल, 21 पे कॉलेज, उसके बाद बाहर जाएंगे पढ़ने, 23 पे वापस, एक साल कर लो, एक साल चिल, उसके बाद पापा का बिजनेस, एक साल बिजनेस किया, 26-27 पे शादी. आई थिंक वो एक जेनरिक नॉर्म है जो सही या गलत की बात नहीं है उसमें, वो मतलब जिसके लिए है वो सही, जिसके लिए नहीं है वो नहीं है. बट आई थिंक टू एक्चुअली ब्रिंग दैट टॉपिक इन अ फन वे, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन जस्ट फाइंडिंग ह्यूमर इन इट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस स्क्रिप्ट. कि आप जब देखोगे, या मैंने जैसे आज भी सुबह सबको मैंने मैसेज किया अपने दोस्तों को कि शादी तो हो नहीं रही है, तो मैंने सोचा पूरा पूरा शो ही कर लेता हूँ. शादी के ऊपर शो बना लेते हैं, शो बना लेता हूँ. एंड एवरी वन हुज गोना वॉच इट नाउ विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी लाइक अरे मेरी मम्मी, अरे मेरी मासी, अरे मेरी आंटी. इट्स अ वेरी रिलेटेबल थॉट बट इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे. बट एट द सेम टाइम देर आर moments in the show where you'll realize कि माँ बाप ऐसे क्यों कहते हैं, या लड़का ऐसे क्यों कहता है, या लड़की ऐसे क्यों कहती है. So I think that's what the best thing about the show is. So जैसे कि आपने कहा कि script पढ़ने के बाद, ये show करने के बाद,
आप मतलब ऐसे बहुत लोग ट्रेलर देखने के बाद लोग कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ हुआ कि इसके पहले आप लोगों ने कभी किसी को देखा होगा इस इन चीजों से यू नो डील करते हुए? नहीं, ये तो ये अरेंज मैरिज वाला सिस्टम ऐसे तो मैंने मुझे नहीं पता था ज़्यादा. मम्मी पापा की जनरेशन का ऑब्वियसली वैसा था, बट इन आर जनरेशन जो कजन्स वगैरह फ्रेंड सबकी मोस्टली लव मैरिज हुई है, एक्सेप्ट एक दो की हुई है अरेंज, बट वो वैसा वाला होता ना कि नॉट थ्रू अ मैरिज ब्यूरो. मतलब इट इज कि अरे जान पहचान में है, उनका भी एक बेटा है जिसकी शादी की उम्र है, हमारी भी बेटी है, तो एक यू नो बात स्टार्ट करते हैं और हो जाती है. बट मतलब मोस्टली मैंने वो भी देखा है कि खराब होते हुए यू नो, बिकॉज वो कभी होता है कि अरे लड़का मांगलिक निकल गया या लड़की मांगलिक निकल गई, ये वाली चीजें, या थिंग्स लाइक कि कास्ट नहीं मैच हुई, गुड़ मैच नहीं हुए, करेक्ट, यू नो वो वाली चीजें, तो वो भी मैंने देखा है. बट तो मुझे मतलब मैंने ऐसे रियल में उतना ज्यादा नहीं देखा, तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज वेरी लाइक जो मैंने फिल्मों में या टीवी शोज में देखा है उसी से है, जो मुझे लगता है शायद ऑब्वियसली एग्जैजरेटेड तो है लिटिल बिट. मैं नहीं, असलियत में ऐसे ही होता है, मैं बता रहा हूं. होता है, मैंने बहुत देखा है मेरे घर में. आई थिंक बहुत मेरे जितने भी कजिन्स हैं मोस्टली लोगों की रिंग अरेंज मैरिज ही हुई है, और थ्रू ऐसा ये मैरिज ब्यूरो फ्लो चार्ट मैरिज. मैंने भी ऐसे मतलब मैंने कोई मैरिज ब्यूरो से कोई मैं लोगों को नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने भी नहीं, मैं लोगों को मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने अपना फ्लो चार्ट देखा है. तो मतलब उसमें बड़ा इट्स लाइक जैसे अगर मैंने कभी मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि यार आप लड़की देख लो, आपके पास कोई लड़की नहीं है तो देख लो, तो उनका जो फंडा है, या आई थिंक ये बॉम्बे से बाहर का जो फंडा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये मुंबई में ये वो फंडा नहीं चलता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है. तो जब मुझे एक चार्ट पेपर आता है जिसपे अगर लिखा हुआ है ना कि लड़की का गुण क्या है, कि शी इज़ अ वेरी होमली गर्ल, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो तो मैं भी लिख सकता हूँ, आई एम अ वेरी होमली बॉय. तो होमली बॉय का डेफिनेशन क्या है, या होमली गर्ल का डेफिनेशन क्या है, ऑल्सो वाई आई एम श्योर लव मैरिजेज पीपल डोंट टॉक अबाउट मोर इज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर आर टू पीपल हू हैव टू फर्स्ट कनेक्ट एंड देन मे बी द फैमिलीज हैव टू कनेक्ट. बट बहुत ही कमाल का सिस्टम है ये, इट्स लाइक लकी ड्रॉ चल रहा होता है. जैसे कि आपने कहा, बट ये जो मुंबई से बाहर की जगह वहाँ पे फैमिली पहले इन्वॉल्व होती है, जो एक और प्रॉब्लम है. नहीं यार पता क्या, वो प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ना पेरेंट्स में नहीं, अब जैसे हमारे पेरेंट्स की हां अरेंज मैरिज ही हुई है एंड इट्स टच वुड वेरी सक्सेसफुल. नहीं आल्सो लाइक अगर वो भी हमें बोले तो आज की डेट में जैसे मेरे पेरेंट मुझे आई थिंक 10 साल पहले उन्होंने एक बार पूछा था कि बेटा कब करोगे, तो मैंने कहा था हाँ कर लेंगे. फिर अब वो ये बोलते हैं कि देखो कर लो, वरना मतलब आज मुझे समझ आता है कि वो क्या बोलते हैं कि कोई मिलेगी नहीं. ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई है नहीं, उनका मतलब ये है कि जैसे आप बड़े होते जाते हो आप अपनी चॉइसेस खुद ही कम कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा. तो आई थिंक यू गेट सेट इन योर यू सेट इन योर ओन वेज. तो मतलब जैसे अब अगर मैं इतने सालों से कप में कोला पीता हूँ तो मैं क्यों पीऊँ ग्लास में? एंड इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग और आई एम नॉट एडजस्टिंग, बट आई थिंक वो एक बहुत ही अलग फंडा है. और पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, बॉम्बे के बाहर इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप फैमिली सेटअप में रहते हो. मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो बॉम्बे में मुंबई में फैमिलीज के साथ रहते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं जैसे मेरे दिल्ली के दोस्त. इट्स पीपल लाइक अस प्रॉब्ली इन द फ्रेटर्निटी जो अलग अलग शहरों से आए हैं, तो हमारे लिए दोस्त ज्यादा मैटर करते हैं, तो हमारे लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं ना फैमिली की. मेरे दोस्त को अगर पसंद आई लड़की तो ही मैं, बात तो वही पड़ जाती है एक्चुअली. पर इसमें अगर मैं आप दोनों के थॉट्स पूछूं कि मतलब इस चीज का जो लोग इतना प्रेशर लेते हैं वो होना चाहिए, या पेरेंट्स को प्रेशर डालना चाहिए, या फिर चीजें ऐसे चल रही है चलने देना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता ना कि 25 में शादी नहीं हुई, होनी ही चाहिए थी, ये जॉब नहीं मिली, ये होना ही चाहिए था, जैसा प्लान जैसे इसमें है मुद्दा कि जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसमें? देखो प्रेशर तो किसी भी चीज में आई डोंट थिंक सही है इन एनीथिंग ना, मतलब लाइफ में. सो प्रेशर तो नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक इट्स ओके अगर किसी का कुछ ऐसा गोल है कि इस एज पे ये करना है, इस एज पे वो, ऑफ कोर्स यू वर्क टुवर्ड्स इट, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है.
नहीं, द प्रॉब्लम इज कि जब नहीं होता है तो देन दे गो इनटू डिप्रेशन या मतलब और ही अपसेट हो जाते हैं और चीज़ों को लेके, सो वो नहीं होना चाहिए. तो ये भी एक साइड बाय साइड यू शुड रिमेंबर कि शायद नहीं वर्कआउट होगा, बट इट्स ओके, कुछ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. ये वाली चीज मतलब यू नो लाइफ एंड डेथ इज लाइक योर बिगेस्ट अल्टीमेट थिंग, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इट्स ओके, लाइक एज लॉन्ग एज आप खुश हो, आपके आस पास पेरेंट्स सिबलिंग्स जो दोस्त हैं ये लोग सब खुश हैं, मतलब ठीक है, इट्स फाइन. यार मतलब आई एम 37. I have not got married, so I think I don't have the right to say anything because I also feel I've never been married. मुझे कभी pressurize नहीं किया गया, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया, घर वालों ने पूछा है. But I think आज at this age I understand what is pressure for them and what is pressure for people like us, our generation. We are like अरे यार please यार बात मत करो, बहुत pressure डालते हैं. उनका फंडा वो है ही नहीं उनका, बिकॉज आई थिंक दे ऑल्सो आर आर पेरेंट्स इज प्रॉब्ली द लास्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हु आर फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम लाइन. करेक्ट, इट्स पीपल लाइक अस व्हेन वी विल बिकम पेरेंट्स वी नो द पास्ट एंड व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व बिटवीन द टू. सो आई थिंक इट्स जस्ट प्रेशर कहीं भी सही नहीं है जैसे मानवी ने कहा, बट आई थिंक वॉट थ्रू द शो वी ट्राई टू ऑल्सो टेल पीपल कि आपको हर किसी की ना एक स्टोरी समझ आएगी, हर कैरेक्टर का एक फंडा समझ आएगा, जिस वजह से आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड, पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड किड्स आल्सो विल प्रोबब्ली अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल ऑफ देम गो थ्रू. ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है कि आप लोगों ने चीजें प्लान की हो वो उसके अकॉर्डिंग हुई नहीं हो, उसकी वजह से यू नो कुछ आप लोगों ने ऐसा फील किया हो कि यार ये नहीं हुआ आप तो कुछ भी नहीं है, या कुछ ऐसे किसी टाइम पे कभी ऐसा हुआ हो? हाँ मतलब मेरे तो कोई भी प्लान्स डिडंट वर्क आउट द वे आई हैड वांटेड देम टू, बट वो ये कि वो हर एज पे आके वो चेंज भी हो गया. मतलब ऑफ कोर्स जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मुझे था कि 25 तक शादी करनी है, फिर यू नो देन आई विल ट्रैवल एंड डू दिस डू दैट, ऑब्वियसली वो नहीं हुआ कुछ भी. तो बट इट्स ओके लाइक मतलब, और वो मुझे ही खुद ही सीखना पड़ा, यू नो इट्स नॉट समथिंग, इट्स ओनली व्हेन यू लिव थ्रू दैट दैट यू रियलाइज कि हाँ यार ठीक है, मतलब कोई से जमीन नहीं फट गई यू नो ये होने से और वट एवर अपोकलिप्स नहीं आ गया, बट इट इट्स फाइन. मतलब ऐसे बहुत प्लान्स थे लाइफ में या है, कुछ वैसी चीज़ें भी जो कभी सोचा नहीं था और हो गई, यू नो लाइक गुड थिंग्स एंड सो वी हैव टू बी इक्वली ग्रेटफुल फॉर दोज ऑल्सो. तो आई मीन दी बट ये इसी को मेच्योरिटी कहते हैं आई थिंक, जो आई थिंक टाइम के साथ ही आती है, टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ ही आती है. टाइम के साथ वी आल्सो हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल ऑल या ऑल द गुड एंड द बैड यू नो. सो या नहीं यार आई थिंक प्लान नहीं होता ये, मतलब आई थिंक मैंने शादी के अलावा ना हर चीज में प्लान किया और वो हुआ है. मतलब कई चीजें हुई हैं कई चीजें नहीं हुई. आई थिंक शादी के लिए जैसे जितने भी मेरे दोस्तों ने शादी किया ना या जो कर लेते हैं, एक तो ये बड़ा होता है जो कर लेता है ना फिर वो बेचना शुरू हो जाता है, कर ले और कर ले बहुत सही है. लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया है एक डेढ़ साल तक ही होता है फिर बोलते हैं नहीं नहीं कर रहा हूं. मैं बताऊं मैं मतलब लकीली आई हैव आल्सो सीन पीपल जो 12 साल के बाद भी बोल रहे हैं भाई बहुत सही है, मतलब तो उन्हीं लोगों की वजह से थोड़ा सा होता है मुझे. वरना मैं ऑल्सो आपको बताता हूँ शादी का ना एक और रीजन है प्लान ना होने का, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से. व्हेन यू हियर सो मच अबाउट मैरिज द वे वी हियर ना, जैसे अभी आपने कहा कि वो तो एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बाद खत्म हो जाता है. अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसको इतना हवा बना दिया है ना कि तो हमारे जैसे लोग जिनको हमेशा बोला जाता है कि वन डे यू विल नो व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, आई थिंक मेन विल नेवर नो, दे विल नेवर नो when they want to get married because I think it's also a matter of complacency ki ab to hai na yaar hai chill kar rahe hain maa baap ko bataya to shaadi kyun karni hai, shaadi kyun karni hai usse kya ho jayega. So I think it's I have never planned that and I would not want to plan it. I have also told my friends ki bhai apni to aisi hogi ki raat ko phone karunga main कि अभी मन कर रहा है आ जाओ क्योंकि सुबह तक पता नहीं पता नहीं सुबह तक पता नहीं जल्दी कर लो नहीं तो माइंड कर जाएगा यार. So it's I think you should not plan this yaar because eventually na planning se na aap bahut logon ko disappoint karte ho including yourself at least shaadi ke bare mein matlab ye aapko show mein pata chalega truth box please dekhe ye show. अच्छा आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ काम करने का? मैं तो स्टार्ट रखता है, मैं तो सच्ची बता रहा हूं. आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट किडिंग, इट्स जस्ट आई एक्चुअली टोल्ड हर दिस अ फ्यू डेज बैक ओनली व्हेन वी वर शूटिंग
कि मैंने ना बहुत साल पहले कुछ लिखा था एंड आई हैड ओनली इमेजिन्ड हर एंड देन व्हेन आई फर्स्ट वर्कड विद हर ऑब्वियसली मानवी इज डन सो मच वर्क एंड सच ग्रेट वर्क शी इज डन दैट इवेंचुअली फॉर समवन लाइक मी आई फील इट्स नॉट एंड इट्स नॉट टू चढ़ाओ फ्लैटर यू इट्स नॉट इट्स ओके इट्स आल्सो आई फील इट्स अ वेरी आप ना खुद अपना गेम फिर अप करना चाहते हो चाहे वो काम कैसा भी हो छोटा हो बड़ा हो आपको खुद मजा आता है बिकॉज यू गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल हु आर यू नो वर्किंग विद यू रादर देन यू ओनली इंस्पायरिंग एवरीवन व्हेन यू रीच यू नो सेट रीच द सेट तो मतलब मुझे बड़ा मजा आता था बिकॉज ऑल्सो एक तो मानवी के साथ काम कर लो ना मैं ये और ये मैं बता रहा हूँ आपको ये दिस इज ट्रूथ मैंने इतना काम किया है मुझे कभी ना इतने मतलब वार्म हार्टेडली रिप्लाइज नहीं आए हैं मेरे फॉरवर्ड्स पे और वो सिर्फ और सिर्फ आए मानवी के क्योंकि क्या होता है ना जब आपको पता है ना कि मानवी अच्छा काम तो अच्छा होगा इसको कैसे मिल गया ये कैसे कर रहा है तो आई थिंक फॉर दोज थिंग्स ना आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज जस्ट ऑल्सो आई फेल्ट it's a great thing when people cannot place two people opposite each other in general ki inki pairing to ye kaisi pairing hai to wo aur bhi maza aata hai because it's like you don't expect what's going to come so I think that's why I thought was very thrilled okay no same so jaise mujhe jab first time pata laga tha ki okay Karan is doing this part so I was like okay you know interesting because again like he said fresh pairing कभी हमने एक साथ काम नहीं किया है शायद किसी ने सोचा भी नहीं है टू पेयर अस टुगेदर तो ऐसे रहा ओके ओके वो देन वी स्टार्टेड मीटिंग ड्यूरिंग रीडिंग्स एंड ऑल तो आई वाज लाइक ये तो दिल्ली का लड़का है हमारे यू नो मेरे जैसा है यू नो व्हाटएवर लाइक आई न्यू दैट आई विल गेट अलोंग विद हिम ऑफ स्क्रीन और व्हाटएवर ऐसा चिल रहे इट्स नॉट लाइक ऐसा कोई सीरियस एक्टर आ गया है जो मतलब जिससे आप बात ही नहीं कर पा रहे हो और दी अदर वे अराउंड की एकदम ही इतना रिलैक्स्ड एंड इनडिसिप्लिन्ड एक्टर आ गया है सो वो तो नहीं था फॉर श्योर एंड इवन व्हाइल एक्टिंग तो ना बिकॉज इसने इतना काम किया हुआ है करण ने एंड ही इज अ वेरी एंड ही इज इन जनरल आल्सो अ वेरी ही इज एन इंटेलिजेंट गाय यू नो सो एडिट करके भेजना मुझे नहीं तो वो एक एक यू नो द प्रेजेंस ऑफ बीइंग ऑन सेट और वो एक्सपीरियंस एंड एक्टिंग एक्सपीरियंस वो दिखता है लाइक यू नो लाइक इफ वी डू इफ मैंने कुछ अलग किया इन अ टेक सो ऐसा नहीं है कि ही'ल बी थ्रोन ऑफ कि ओ नो अब मैं क्या करूं ही'ल प्ले अलोंग विद इट यू नो उस पे एक और मारेगा फिर आप उस पे सो यू नो दैट्स एंड दैट्स व्हाट यू एंजॉय अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग कि आप खेल रहे हो एक दूसरे के साथ यू नो व्हाइल बीइंग इन दैट कैरेक्टर एंड इन दैट स्पेस एंड बीइंग ट्रू टू द सीन आप सीन से अलग नहीं जा रहे हो सो दैट आई रियली एंजॉयड विद हिम कि यू नो एंड छोटा कुछ भी मतलब ऐसा ही इज वो लाइक आई एम सेइंग दैट दैट स्मार्टनेस और दैट एक्सपीरियंस एज एन एक्टर ही हैज दैट कि या अगर लुक वुक का यू नो लाइट कट रही है दीज टेक्निकल थिंग्स विच ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस वो ही हैड अ वेरी अक्यूट अवेयरनेस ऑफ दैट तो वो सब लाइक आई रियली एंजॉय इट एंड अदरवाइज ऑफ सेट लाइक ही सुपर चिल तो हम लोग ऐसे लाइक काफी चिल किया है सो शी इज द ओनली को स्टार एंड आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम यू गाइस हु इज आफ्टर वर्क गॉन टू वर्क आउट विद मी हाँ ये हम लोग जिम में थे दिल्ली के एक होटल जिम में और ये कह रहे हम दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग आउट विद एन एक्टर कहते यूजुअली तो एक्ट्रेस करती थी बच्चे तू पागल है उल्टा होता है कहते नहीं नहीं मैंने आज तक एवरी टाइम आई हैव बीन वर्किंग आउट अलोन ओनली हां मतलब काम खत्म होता था मैंने जिंदगी में कभी एक्ट्रेस के साथ वर्कआउट नहीं किया कोई होता ही नहीं था जिम में मैं जिम पहुंचा जिम में मेरे से पहले पहुंची हुई है चल रहा है सो आई थिंक इट वाज लाइक अ बॉल यार बिकॉज़ आल्सो जस्ट वो जो एक माहौल भी होता है ना सेट का फिर आपको जब आप जब स्क्रिप्ट खुद पढ़ के खुद उससे मजे ले सकते हो ना तो आई थिंक वो माहौल ही बदल जाता है इट्स जस्ट इट्स